हम खड़े हैं महेश पानवाले जी के पास। महेश जी बताइए कि आदमी एक दिन में कितनी बीड़ी पी जाता है? लगभग लगभग एक कट्टा पी जाता है। एक कट्टा पी सकता है? एक कट्टा में कितना बीड़ी आता है? बीड़ी और कितने का होता है एक कट्टा? 10 रुपए का होता है। तो आदमी अगर एक कट्टा पीता है, साथ में कई बार गुटखा वगैरह भी खाता है क्या? गुटखा भी खा लेते हैं, पान भी खा लेते हैं। अच्छा, पान जो है वो कितने का आता है? वो तंबाकू वाला, जत्था वाला, और गुटखा? और गुटखा ₹2 वाला है, ₹5 वाला भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ₹5 वाला सस्ते वाला, ₹2 वाला है। और जो आदमी बीड़ी वगैरह नहीं पीते वो गुटखा कितना खा जाते होंगे एक दिन में? कम से कम 10-15 खा जाते हैं। 10-15 पैक खा जाते हैं। तो कितना खर्चा करते होंगे आदमी आपके हिसाब से एक दिन में? सिगरेट बीड़ी गुटखा सब मिला के, सब नशा पे कितना खर्चा हो जाता होगा? शराब को नहीं मिला के? शराब को नहीं मिला के कम से कम 100 रुपया खर्चा हो जाता है। 100 रुपया आदमी खर्च देते हैं इस पे, पान बीड़ी? बहुत से आदमी 50 रुपीज खर्चा करते हैं, 60 रुपीज, 70 रुपीज कमाते हैं, 100-150 रुपया कमाते हैं। उसमें भी अगर 150 रुपया कमाने वाला खर्चे में 100 रुपया बच जाएगा। 150 रुपया कमाने वाला 50 रुपया खर्च देता है नशे पे, के लिए खर्चा कर देता है सिर्फ सिगरेट तम्बाकू पे। सिगरेट तम्बाकू बीड़ी है सभी। और शराब पे कितना खर्चता है आपके साथ? शराब का, शराब तो बोलते संडे बहुत से पीते हैं, बहुत से संडे बहुत से डेली भी पी लेते हैं एक क्वार्टर। तो अगर आदमी तम्बाकू वगैरह पे 50 रुपया खर्च दे और शराब वगैरह पे 50 रुपया खर्च दे तो उसके पास तो घर ले जाने के लिए 85 रुपया बचा। शराब तो हफ्ते में सही पीते हैं, बहुत से डेली भी पीते हैं, 25 का पैसा ज्यादा है, डेली भी पी सकते हैं। नहीं तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार, 15 में एक बार। शुक्रिया महेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।